और आज दुनिया योग दिवस मना रही है। देश के अलग अलग शहरों में योग कार्यक्रम हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। 8 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नोएडा स्टेडियम में योग करने पहुंची। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में योग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योगाभ्यास किया। शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में योग किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम में योगाभ्यास करते नजर आए। और अब आपको देश में मनाए जा रहे योग दिवस की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। लद्दाख हो या सिक्किम, जम्मू हो या आईएनएस शिवाजी, हर जगह भारतीय जाबाजों ने योग किया। रामेश्वर में फ्लोटिंग योगा की तस्वीरें देखने को मिली। वहीं राजस्थान में भी बीएसएफ के जवानों ने योग दिवस मनाया। 6 तस्वीरें आपके सामने, लद्दाख, सिक्किम, जम्मू, आईएनएस शिवाजी, राजस्थान और पानी में योग तैरते हुए ये तस्वीरें दुनिया को आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के अलग अलग शहरों से ये अलग अलग तस्वीरें। और संसद भवन परिसर में भी योग महोत्सव का आयोजन किया गया। TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमंत कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संसद भवन में भी योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मैं संसद भवन परिसर में मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिड़ला, वो यहां पे योग कर रहे हैं। और उनके साथ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ और लोग जो है, जो संसद भवन के कर्मचारी हैं, वो तमाम लोग लोकसभा स्पीकर के साथ यहाँ योग करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैं दिखाऊं कि एक वीडियो जो वॉल है वहां पे प्रधानमंत्री का वीडियो मैसेज जो है, वो चूंकि पीएम इस वक्त अमेरिका में है, लिहाजा उनका वीडियो मैसेज योग दिवस पे जो है वो प्ले किया जा रहा है। और फिलहाल आप तस्वीरों में देखें कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के योग दिवस पर वीडियो मैसेज को सुन रहे हैं और साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के साथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार का योग बेहद खास है। इस बार के योग का थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम है और प्रधानमंत्री खुद यूएन मुख्यालय में योग करेंगे। लेकिन देश में भी उसी जोश और उत्साह के साथ देश भर में योग दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आपने तस्वीरें देखें कि किस तरीके से संसद भवन से ये बेहद योग दिवस की खूबसूरत तस्वीर, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला यहाँ पे योग करते नजर आ रहे हैं। और भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जाबाज जवानों ने योगाभ्यास किया। आरएसपुरा सेक्टर से देखिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट की ये स्पेशल रिपोर्ट। पूरा देश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। TV9 भारतवर्ष पहुंचा है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरएसपुरा सेक्टर में। कुछ ही मीटर की दूरी पे पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है और पाकिस्तान का सियालकोट इलाका आता है। लेकिन इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे देश की आन बान और शान, बीएसएफ के जवान, महिला कमांडोज और ऑफिसर्स किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हर कोई यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपना योगदान जो है वो यहाँ पर देता हुआ नज़र आ रहा है।